कैथल से भाजपा का टिकट मिलने की घोषणा के बाद लीला राम गुज्जर के समर्थकों दिवाली से पहले ही होली मना ली। भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद लीला राम गुज्जर के समर्थक उनके निवास पर इकट्ठे हुए। लीला राम गुज्जर 2002 में कैथल से विधायक रह चुके हैं। लीला राम गुज्जर ने कहा कि मुहूर्त निकलवा कर जल्दी ही वे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लीला राम गुज्जर ने दावा किया कि वे 40,000 मतों से जीत हासिल करेंगे। लीला राम गुज्जर ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आइए टिकट मिलने के बाद लीला राम गुज्जर की यह बाइट सुनते हैं। पंडित जी की सलाह लेकर के और एक दो दिन में जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी करेंगे जी। अभी तारीख तय नहीं, क्योंकि अभी आदेश हुआ है पार्टी की तरफ से और पहले मैंने किसी से पूछा नहीं। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं सर्वप्रथम आदरणीय मनोहर लाल जी का, सुभाष बराला जी का, कृष्ण पाल गुज्जर जी का, रामविलास शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता को मौका दिया है। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कैथल की जनता के विश्वास पर कि मैं उनको कैथल की विधानसभा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जोड़ी में डालने का काम करूँगा। ऐसे है जी, जब मेरे को इन्हीं लोगों के बीच में 2000 में जाने का, 2000 में चुनाव लड़ने का मौका मिला था और तब कैथल की वोट 1,00,000 के लगभग थी। तब कैथल की जनता ने मेरे जैसे छोटे से गरीब से आदमी को 18,000 वोट से जितवाया था। अब की बार ये खुद लोग कहते हैं कि आपको 36,000-40,000 से जितवा कर, तो ये है, लोगों के विश्वास पर कह सकता हूँ कि अब ये कोई मुकाबला नहीं है। कोई ज़्यादा, मेरे को ये भी लगता है कि ज़्यादा कोई लड़ाई लड़ने वाली बात नहीं। हम युवा साथियों के माध्यम से कहूँगा, या मेरा भी पिछले 20 साल से लगातार फील्ड में रहने के उस लक्ष्य से कहूँगा, लोगों के बीच में मिलना जुलना, दुख में सुख में जाने के माध्यम से कहूँगा कि मैं आसानी से ये कैथल की विधानसभा जीत जाऊंगा। आज तो सर्वप्रथम है कि हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे और अगर वो जिस टाइप का वो चुनाव लड़ना चाहेगा, मैं सारे तरीके जानता हूँ। उसी तो यही है कि मैं जब विधायक था, मेरे 10 सेशन आते हैं और उनमें मेरे आज भी रिकॉर्ड की बात है, वो जो काम पेंडिंग रह गए वो वहाँ पर सभी रिकॉर्ड हैं। जो काम उनमें से रह रहे हैं उन सभी को पूरा करवाने का काम करूंगा और कैथल के लोगों से मिल कर के इनसे पूछेंगे कहीं कोई सड़क है, स्कूल है, बिजली है, कॉलेजेज है, मतलब उस पर लॉ एंड ऑर्डर विशेषकर इनको ठीक करने का काम करेंगे। राव सुरेंद्र जी को मिलती या राजपाल कंवर को मिलती, मुनीश कठवाड़ को मिलती, सुरेश गर्ग को मिलती, मैं जनता के बीच में ईमानदारी से कहता हूँ मैं उनका चुनाव एक कार्यकर्ता बन करके लड़ता। मैं उनसे भी यही उम्मीद करूँगा कि वो साथी मेरा इस लड़ाई में, मेरा इस चुनाव में मदद करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल विधानसभा से जीत की संभावनाओं के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।